परम श्रद्धे आचार्य प्रमोद किशन जी पीठाधीश्वर पंकज कल्की धाम, परम श्रद्धे स्वामी ऋषिश्वरनंद जी, परम श्रद्धे बाबा हरजोगी जी, परम श्रद्धे स्वामी नवीनानंद जी, परम श्रद्धे स्वामी राम बालक दास जी, परम श्रद्धे स्वामी कलयानंद देव जी, परम श्रद्धे ओम प्रकाश राजभर जी और परम श्रद्धे सभी उपस्थित संत महागम कल्की धाम के श्रद्धालु, इस क्षेत्र के वासीगण, भाइयों बहनों, मैं बहुत ही अभिभूत हूं यहां आके आचार्य प्रमोद किशन जी ने जो आज ऐतिहासिक घोषणा की है कि 19 फरवरी को इस पीठ के मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा और वो प्रारंभ होगा देश की तमाम हस्तियों की उपस्थिति में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आचार्य जी को और उनके तमाम साथियों को पूर्ण आशीर्वाद और शक्ति दें, जिससे उनका ये सपना और हमारी कल्पना पूरी हो सके। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि आचार्य जी की जन्मदिन 4 जनवरी 65 की है। आचार्य जी मैं ठीक हूं? और 4 जनवरी को एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन की भी जन्मदिन है। तो आप देखिए जो अद्भुत लोग होते हैं, कई बार उनका जन्मदिन का कोइंसिडेंस एक साथ होता है। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी विश्व में लाके एक क्रांति कराई, क्रांतिकारी ज्ञान दिया, उसी तरह हमारे पीठाधीश्वर आचार्य जी कल्की धाम का इस भव्य मंदिर बना के एक नया ज्ञान की क्रांति लाएंगे। आचार्य जी, मैं आपसे 2 दशक से परिचित हूं। मैं हमेशा आपके प्रति आकर्षित होता था। आचार्य जी की गहरी और शांत आंखें, आचार्य जी का शीतल व्यक्तित्व, आचार्य जी का सफेद लहराती दाढ़ी, माथे पर तिलक और सफेद वस्त्र आपका एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करता है जिससे देश में लाखों लोग आकर्षित होते हैं। आपने आचार्य कल्की फाउंडेशन की स्थापना की, आप एक देशभक्त हैं, आप एक देश प्रेमी हैं और सबसे बड़ी बात आपने यह बता दिया कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। जब धर्म का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। आप बताइए कौन, किस ऋषि मुनि ने धर्म को तोड़ने के लिए कभी प्रवचन दिया या बोला? जब भी धर्म की बात होती है तो सौहार्द की बात होती है, त्याग की बात होती है, तपस्या की बात होती है और प्रेम की बात होती है।
मैं आपके इस प्रयास से इतना अभिभूत हूं आचार्य जी, आपकी तपस्या इस मंदिर को बनाने के लिए आप प्रयास कर रहे थे, जितनी बार आप मुझसे आके इस पर चर्चा करते थे, जितनी बार आप आके मुझसे केस के बारे में आगे बढ़ाने की बात करते थे, और आज वो आपका जो सपना पूरा हुआ, मैं आपको क्या धन्यवाद दूं, साधुवाद दूं। मैं तो यही कह सकता हूं, मैं एक बहुत छोटा व्यक्ति हूं, मेरे तरफ से मैं एक आपके लिए 1,00,000 रुपए का चेक लेके आया हूं। मैं ये 1,00,000 रुपए आपकी शुरुआती भेंट है मंदिर के निर्माण के लिए। तो आप जो पहला शिला या पहली चीज जो भी मंदिर के निर्माण के लिए खरीदेंगे, उसमें आप मेरा इस पैसे का उपयोग जरूर करिएगा। बगैर आपको ये भी मैं बोल देता हूं कि ये अंत नहीं है, शुरुआत है। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के पूरे दुनिया से इस पीठ के लिए हम लोग धन एकत्रित करेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है, लोग खुशी खुशी देंगे। और मैं चाहूंगा इसका उद्घाटन तो भव्य हो, और उससे भी ज्यादा भव्य हो इसकी प्राण प्रतिष्ठा। आचार्य जी, आप इतिहास बनाने जा रहे हैं, आप जो काम करने जा रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। आचार्य जी, लोग आएंगे जाएंगे, युग बदलेगा, पार्टी जाएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, मगर जब कल की धाम और कल की युग की बात होगी तो आचार्य प्रमोद किशन जी की ही बात होगी। थैंक यू, जय हिंद।